नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बंदूक और हिंसा के दम पर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है और तालिबानियों के डर से अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं। तो वहीं दूसरे तरफ अशरफ गनी के भाई हशमत गनी अब तालिबान के साथी हो गए हैं। क्यों, चौंक गए ना? एक भाई साथी तो दूसरा भाई दुश्मन कैसे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लंबी लड़ाई के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान में जंग का माहौल है, तालिबानियों का राज है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से हर दिन चौंकाने वाली खबर सामने आती है। देश छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट से लेकर हर जगह भाग भाग मची है। किसी को नहीं पता कि आने वाले अगले घंटे में क्या होगा। हर पल स्थिति बदलती जा रही है। तालिबान का खौफ इतना है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। इधर गनी साहब तालिबानियों के डर से देश छोड़कर गए, तो वहीं दूसरी तरफ अशरफ गनी के भाई हशमत गनी अब तालिबान के साथी हो गए हैं। जी हाँ, ये खबर काफी चौंकाने वाली है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट की माने तो अशरफ गनी के भाई हशमत गनी तालिबानियों के साथ मिल गए हैं और उन्होंने आतंकी संगठन का हर संभव मदद करने का भरोसा भी जताया है। ये खबर जहां एक तरफ अशरफ गनी के लिए बड़ा झटका है, तो वहीं तालिबान के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं। काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद से ही फरार अशरफ गनी संयुक्त अरब अमीरात में डेरा जमाए हुए हैं। साथ ही अशरफ गनी वतन वापसी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में भाई का दुश्मन तालिबान के साथ मिलना किसी झटके से कम नहीं है। अफगानिस्तान के नाम संदेश में अशरफ गनी ने कहा था कि उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ देश से बेदखल किया गया। भगोड़ा कहने वालों को उनके बारे में जानकारी नहीं है। अशरफ गनी ने कहा कि सुरक्षा वजहों से मैं अफगानिस्तान से दूर हूं। अगर मैं वहां रहता तो काबुल में कत्लेआम मच जाता। किसी अनहोनी से बचने के लिए मैंने देश छोड़ा है। तो एक भाई साथी तो दूसरा भाई दुश्मन, वाकई ये चौंकाने वाली खबर है। बता दें आपको, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी ने कथित तौर पर तालिबान का दामन थाम लिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने तालिबान को समर्थन का फैसला अलहाज खलील उर रहमान हक्कानी के साथ हुई मीटिंग के बाद लिया है। खबरों के मुताबिक ग्रैंड काउंसिल ऑफ कुचीज के प्रमुख हशमत गनी ने अपने समर्थन की घोषणा तालिबान के नेता खलील उर रहमान और धार्मिक स्कॉलर मुफ्ती महमूद जाकिर की मौजूदगी में की है। वाकई ये खबर चौंकाने वाली है कि गनी साहब तालिबानियों के डर से देश छोड़कर चले जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अशरफ गनी के भाई हशमत गनी अब तालिबान के साथी हो गए हैं। इधर अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद तालिबान वहां सरकार बनाने में जुट गया है। अफगानिस्तान का राष्ट्रपति कौन होगा, इस पर चर्चा जारी है। हाल ही में तालिबानी नेता पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला से मिले थे। ऐसे में हशमत गनी के कथित तौर पर तालिबान में शामिल होने से तालिबान को और ताकत मिलने की बात कही जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।